सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी हिंदी के पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 तमिलनाडु एक अनोखा प्रदेश शुरू करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में तमिलनाडु के भव्य मंदिरों, विभिन्न व्यवसायों, कला तथा संगीत आदि की के पक्षों को उजागर किया गया है। समुद्र का दृश्य, धान के लहलहाते खेत, तरह तरह के ऊंचे वृक्ष, हरी भरी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, ये है भारत के दक्षिणी छोर अर्थात किनारे पर बसे हुए राज्य तमिलनाडु की विशेषताएं। कहीं नारियल और केले के वृक्षों की कतारें, कहीं आम तथा काजू के बगीचे, तो कहीं चाय कॉफी के बगानों से ढकी पहाड़ियों की कतारें बरबस ही मन को मोह लेती हैं। लगता है मानो प्रकृति ने मैदानी, समुद्री तथा पर्वतीय विभिन्नता प्रदान कर इस प्रदेश को स्वयं अपने हाथों से संवारा है। तमिलनाडु भारत का महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य है, जिसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य भी है। यहाँ की 47% जनसंख्या नागरिक क्षेत्रों में निवास करती है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु औद्योगिक उद्यान क्षेत्र में अपना समान रूप से उत्पादन क्षेत्र में समान रूप से फैला हुआ है। तमिलनाडु कर्नाटक के बाद देश का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकास का क्षेत्र है। विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजोर में बृहदेश्वर मंदिर है। यह केवल एक 80 टन के ग्रेनाइट के टुकड़े से बनाया गया था। तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। तमिलनाडु का मीनाक्षी, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर भी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु का पर्यटन उद्योग भी विकसित है और पर्यटन के प्रमुख केंद्र कांचीपुरम, ममलपुरम या महाबलीपुरम, तिरुचिरापल्ली, कन्याकुमारी और रामेश्वरम है। चेन्नई का मरीना तट भी विश्व का दूसरा तथा सबसे लंबा समुद्र तट है। कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। रामेश्वरम के शिव मंदिर का संबंध त्रेता युग रामायण से है। माना जाता है कि यहाँ श्री राम ने शिव की आराधना की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। कन्याकुमारी मंदिर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है। इसे यहाँ की रेत 3 रंगों की है। प्राकृतिक साधनों से भरपूर इस राज्य की उन्नति में यहाँ के परिश्रमी, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल लोगों का विशेष योगदान है। यहाँ स्थित कावेरी नदी द्रोणी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तमिलनाडु केलों और फूलों का सबसे बड़ा, आम, रबड़, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा और कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय अर्थात व्यापार नारियल के रेशों से रस्सी, पायदान आदि बुनना, समुद्री तट पर मछलियाँ पकड़ना, धान, गन्ना, कॉफी, नारियल, काजू आदि की खेती करना, रेशम की साड़ियाँ और कपड़े बुनना आदि। चावल तमिलनाडु का प्रमुख भोजन है। चावल से बने व्यंजन जैसे डोसा, उत्पम, इडली आदि लोकप्रिय हैं, जिन्हें केले के पत्ते पर परोसा जाता है। यहाँ के खाने में मिर्च मसालों का काफी प्रयोग किया जाता है, जिससे भोजन स्वादिष्ट एवं रुचिकर लगता है, यानी अच्छा लगता है। संगीत विद्या यहाँ की मुख्य धारा है और भरतनाट्यम काफी लोकप्रिय नृत्य है। बच्चे इन्हीं कारणों से तमिलनाडु का सांस्कृतिक व प्राकृतिक रूप बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है। इसीलिए बच्चों, तमिलनाडु को हम लोग एक अनोखा प्रदेश भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे भरतनाट्यम, इसकी प्रकृति बहुत ही अचूक है। धन्यवाद।